सो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया हूँ कि KTM RT 200 में बॉडी एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आगे की ओर लगते हैं, और इसी इंडिकेटर लगने के बाद आगे आपको और भी अच्छा और सुंदर लुक मिलता है देखने के लिए, वो रात हो या दिन हो। मतलब इसको लगाने से, एक्स्ट्रा इंडिकेटर लगाने से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा मतलब की खूबसूरती आ जाती है, और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, बस इसका कॉस्ट आपको अराउंड 1200 to 1300 पड़ेगा इंडिकेटर्स के, वो भी KTM के जो ओरिजिनल इंडिकेटर्स होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि वो इंडिकेटर कहाँ लगते हैं और कितने अच्छे लगते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारे आगे की ओर लगे हुए हैं, और इसको लगाने से कितना अच्छा लुक आ रहा है। और ये दिन का व्यू है, मैं आपको वीडियो में आगे रात का व्यू दिखाऊंगा, बट ये सब गौर से देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं। और ये बस पैनल में ही लगते हैं, क्योंकि ये देखिए पैनल में जो है पहले से ही इसमें छेद दिया रहता है, तो इसमें ये लग जाते हैं। और इन्हें एक और आगे से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मेरे मुताबिक तो ये पटना में फ़िलहाल एक ही पीस है जो मतलब ये मेरे RC में लगे हुए हैं, और क्या ही बताएं इस इंडिकेटर के बारे में। तो देखिए, with your pretty eyes and run with me, you're done, cause you. तो गाइज, आप लोगों ने देखा कि मेरे RC में वो इंडिकेटर्स कितने अच्छे लगते हैं, वो आगे लगने के बाद कितने और भी मतलब लुक को जो है वो बहुत ही इन्हेंस कर देते हैं। तो आप ही लगाइए अपने बाइक में और अपने बाइक का लुक जो है इन्हेंस कीजिए। RC के मतलब ये 390 हो या 200 हो, मतलब दोनों में ही लग जाएंगे। तो आइए चलते देखते हैं कि दोनों में मतलब कैसे लगते हैं, क्या लगाते हैं। मतलब मैं तो ऑलरेडी लगा चुका हूँ, मैं आपको लगाने के बाद दिखा देता हूँ, आप खुद से भी घर पर लगा सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ एक बार। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके RC में पहले ही से उसमें वो लगा हुआ रहता है फ्लैप खोलने के लिए। तो वो दो को नट बस खोल लीजिएगा, एक ये नट है और एक ये नट है, ये दोनों नट खोल लीजिएगा तो आपका फ्लैप जो है ओपन हो जाएगा। और फ्लैप ओपन होने के बाद ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपको उस तरफ से बाहर आ जाएगा। आपको उसके लिए इस पैनल को पहले उतारना पड़ेगा। इस पैनल को आप उतार लीजिएगा तो फिर ये वाला फ्लैप उधर से आप खोल के उसमें ये ड्रिल मशीन से आप कुछ भी चीज़ इसमें छेद करके आप इसमें इंडिकेटर बैठा लीजिए। इंडिकेटर बैठाने के बाद आप इसमें मतलब कनेक्शन का बारी आएगा, तो कनेक्शन आपको इस इंडिकेटर का यहाँ से ले आके आगे मिरर वाले जो ये हैं इसमें आपको कनेक्शन देना पड़ेगा। उसका यहाँ पे रहता है कनेक्शन, तो आपको इस वाइज़र को उतार के और इसको उतार के मतलब फिट करके फिर आपको उसमें लगाना होगा। तो सिंपल प्रोसेस है, आप भी खुद घर पर लगा सकते हैं। और अपने बाइक को एक मिनट, और अपने बाइक को इतना सुंदर बना सकते हैं। देखिए, एक बार मैं आपको हज़ार्ड ऑन करके दिखा देता हूँ। देखिए हज़ार्ड ऑन होने के बाद कितनी प्यारी लग रही है हमारी RC, है ना। तो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं कि इंडिकेटर लगने के बाद हमारी RC कितनी अच्छी लग रही है। तो आप भी अपने RC में लगा सकते हैं ये इंडिकेटर विथ बॉडी में। सिंपल है, खुद भी लगा सकते हैं, और एक नया भी चीज़ भी है, क्योंकि मैंने तो खुद से ट्राई किया था, बट एक केरल वाला में देखा था, बट मैंने खुद से लगाया। तो आप भी लगा सकते हैं, लगाइए और अपने बाइक को यूनिक बनाइए। और लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय।